मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर आयोजित इन्वेस्टर मीट में बड़ी संख्या में पहुंचे मुरादाबाद के बुद्धिजीवियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुरादाबाद के आर्किटेक्ट और निर्यातक एवं हाउस सोसाइटी डेवलप करने वाली कंपनियों के पदाधिकारी मौजूद रहे और उनके द्वारा मुरादाबाद में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात कही गई। शुक्रवार को आयोजित इस इन्वेस्टर मीट में मौजूद रहे मुरादाबाद के सामाजिक एवं कारोबारी इन्वेस्टर द्वारा आवास एवं शहरी नियोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी बात को रखा गया। प्लेटफॉर्म किया गया कि इन्वेस्टर्स और सर गवर्नमेंट के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। सर डेवलपमेंट के इशू में सर मुरादाबाद में मतलब बहुत अच्छा अभी काम है इस टाइम सर, मतलब द रिलेटेड इज थिंग विद द प्राइवेट कॉलोनाइजेशन। प्राइवेट कॉलोनाइजेशन की सर अगर बात करते हैं तो मुरादाबाद में जो मतलब अगर आप पिछले अगर 3 साल में 4 साल में देखेंगे तो वो बड़ा है, बट सर द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर कुछ पॉलिसीज रिलेटेड लाइक ईडब्ल्यूएस शेल्टर फीस है सर, तो ईडब्ल्यूएस शेल्टर फीस जो मतलब सर जैसे ली जाती है, अगर मान लीजिए मैं कोई टाउनशिप का अगर मतलब प्लान लेके आया हूँ तो उसमें 1000 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर मीटर के प्लान्स हैं, उन प्लान्स को उसमें प्लॉट्स हैं जो उसे सर मतलब जो कैलकुलेट करा जाता है वो नंबर ऑफ यूनिट के बेस पे करा जाता है कि उस पे मतलब 10 यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो ईडब्ल्यूएस शेल्टर फीस जो है आपको 10 के हिसाब से देनी होगी। तो सर थोड़ा उसे इजी करा जाए कि मतलब क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे घर में अपना एक ही यूनिट प्लान करनी है, दो भाई अगर बना रहे हैं तो मैं 10 यूनिट की क्यों शेल्टर फीस आज पेमेंट करूंगा सर। उसमें भी सम्मिलित हुए, डीसी साहब ने भी आपको यहाँ के बारे में बातें बताई हैं कि हम लोगों ने मास्टर प्लान में आप लोगों के निवेश के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और आशा करेंगे कि उन कदमों से आप निवेश में आगे बढ़ेंगे। इस सब में इस सब कड़ी में जिन जिन निवेशकों ने हमारे यहाँ आगे बढ़ के एमओयू करे हैं उनको सम्मानित करने का और इतने सीनियर आईएएस अफसर को यहाँ पे 6-7 महीने 8 महीने से ज्यादा मिलते नहीं है, तो शायद वो इतना सब कुछ बदल देना चाहते हैं कि ये एक स्वर्ग नगरी बन जाए। तो दो प्राधिकरण हमारे गजरौला और मुरादाबाद दोनों का आप देख रहे हैं, बहुत सारी बातें आपकी बात में से इशारों से मिली मुझे, क्योंकि मास्टर प्लान तो हम अभी देख नहीं सकते हैं कि यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट बनने वाला है या गोमती रिवर फ्रंट जो लखनऊ और अहमदाबाद में है वो आपको मुरादाबाद में भी देखना मिलेगा। शायद ये सब कुछ आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहिए, शायद 24 घंटे में 20 घंटे आप दिन रात ये काम कर रहे होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद नेशनल हाईवे दिल्ली रोड पर बसा वह शहर है जो अपनी तहजीब और भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रोजगार के काफी अवसर हैं, कारोबार की दृष्टि से मुरादाबाद अच्छा शहर है और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी काफी तेजी से डेवलप हो रही है। शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, प्रदेश भर से सभी प्राधिकरण से सुझाव मांगे गए हैं, हमने भी अपने सुझाव दिए हैं और हमारे इन्वेस्टर भी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे निवेशकों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला हम लोगों को। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि निवेश बढ़े और अब सरकार मौका भी दे रही है आप लोगों को, क्या आपसे संतुष्ट हैं, खुश हैं आप लोग इससे? हाँ सर, हम लोग खुश हैं सर। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके द्वारा क्या चीज तैयार किया जा रहा है? यहाँ इंटीग्रेटेड टाउनशिप ला रहे हैं, 52 एकड़ टाउनशिप है दिल्ली रोड पे, 5 स्टार रोड के सामने 52 एकड़ की टाउनशिप में हम लोग डेवलपमेंट किए हैं। हमने अभी 126 करोड़ रुपए का अपना प्लान शुरू किया। सर क्या नाम है आपका? कमल शर्मा। मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है, तो ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे जिससे कि यूपी का विकास। आज यूपी गवर्नमेंट द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में यूपी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन था, यहाँ पर डीसी साहब ने इन्वाइट करा था और सारे इन्वेस्टर्स यहाँ आए हुए थे। मैं चड्डा इंफ्राटेक लिमिटेड जो कि हमारी टाउनशिप यहाँ पर आ रही है उसकी तरफ से प्रेजेंट करा था, मैंने इसका और वहाँ से ही प्रशंसा पत्र मिला है। किस तरह के सुझाव दिए गए सर? सुझाव जो भी अब हमारे स्टेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेवलपर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, किसी की वो समस्या थी, आज एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ साझा की गई है गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स एंड अधिकारियों के द्वारा। सर आप किस चीज में निवेश कर रहे हो, कितने निवेश कर रहे हैं? मैं चड्डा ग्रुप की तरफ से चड्डा इंफ्राटेक लिमिटेड से ये टाउनशिप में यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। कितना निवेश हो रहा है सर? हमारी 154 एकड़ की टाउनशिप आ रही है।
इन्वेस्टर मीट की अध्यक्षता कर रहे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा भी कार्यक्रम को संबोधित किया गया और खुशी जाहिर की गई। कहा गया कि प्राधिकरण की पूरी टीम बेहतर तरीके से काम कर रही है और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। हम चाहते हैं कि मुरादाबाद विकास की दृष्टि से देश का ऐसा शहर बने जो भारत ही नहीं दुनिया में पहचाना जाए, और मुरादाबाद की जनता बहुत नेक दिल है जो बेहतर तरीके से काम कर रही है। इस मौके पर प्राधिकरण के चीफ इंजीनियर नीरज गुप्ता, भूमि अर्जन अधिकारी, उप जिला अधिकारी प्रबुद्ध सिंह, नगर नियोजक के गौतम, एई अमित कादियान, एई एकता, संपत्ति अधिकारी आरआरपी सिंह, एई सत्यव्रत भवल सहित काफी संख्या में इन्वेस्टर, निर्यातक एवं मुरादाबाद के आर्किटेक्ट मौजूद रहे।